बिल्कुल इंडिया सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नागपुर के जिला कार्यालय यानी कलेक्टर ऑफिस के पास में, और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुड़े, जो विधान परिषद की अगर अभी बात करें जाए तो नए विधान परिषद के लिए नामांकन भरा है इन्होंने, और कांग्रेस ने अभी अपना नाम डिक्लेयर नहीं किया। कांग्रेस की तरफ से सस्पेंस बना हुआ है कि चंद्रशेखर बावनकुड़े के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार कौन होंगे। ये विधान परिषद की बात की जा रही है, और महाराष्ट्र में लगातार अभी राजनीति में उतर पुथल चालू है। नवाब मलिक की बात करें या देवेंद्र फडणवीस की बात करें, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सरकार में उथल पुथल चालू है। उस बीच में नागपुर, महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में चंद्रशेखर बावनकुड़े द्वारा आज नामांकन भरा गया। आइए हम बात करते हैं चंद्रशेखर बावनकुड़े से ही, खुद क्या कहना चाहेंगे इस पर। वो बावनकुड़े मौजूद है मेरे साथ में, जो विधान परिषद की अगर बात करें तो नॉमिनेट करके जिला परिषद से बाहर निकल रखे, पहले टिकट क्या रहेगी? देखिए, पार्टी ने मुझे विधान परिषद में काम करने की जवाबदारी दी है, निश्चित रूप से वो पूरी मैं करूँगा। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आज पूर्व ऊर्जा मंत्री भी रह चुके हैं, उसके अलावा अनेक पदों में आपको भारतीय जनता पार्टी ने रखा, और साथ में महाराष्ट्र सेक्रेटरी रहने के बाद भी इस पद में फिर से इलेक्शन क्यों? नहीं, ये मुझे जवाबदारी मिली है, बड़ी जवाबदारी है। निश्चित रूप से महाराष्ट्र के, विदर्भ के पूरे जो समस्या है वो विधानमंडल में पूरी तरह से उठाकर जनता को न्याय देना, ये मेरी जवाबदारी। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं आपके पद को देखते हुए एक टफ फाइटर सामने रखेगी, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर विजय? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है, भारतीय जनता पार्टी जीतने की बात कर रहे चंद्रशेखर बावनकुड़े। कैमरामैन शोएब खान के साथ सलीम रहमान, ऑल इंडिया न्यूज़ नागपुर।